हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है हमूराबी टैबलेट एक इवेंट चला रही है एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, और इसी सिलसिले में आज मैं आया हूँ सोलापुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और मेरे साथ अभी एडवोकेट सुरेश गायकवाड़ सर हैं, जो प्रेसिडेंट है सोलापुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन की, और उनसे हम जानकारी लेंगे, बेसिक जानकारी, हिस्ट्री और कई सारी चीज़ें। तो गायकवाड़ सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया इस चीज के लिए। यस सर, यस। तो सर, मैं जानना चाहूंगा कि ये कोर्ट की हिस्ट्री क्या है थोड़ी सी। यस सर, ये कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है सोलापुर में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मेरे ख्याल से 150 साल के पहले यहाँ पे कोर्ट की स्थापना हो गई। अभी सोलापुर में कई सारे कोर्ट आए हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लेबर कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, फैमिली कोर्ट, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल कोर्ट, ये सब की स्थापना हो गई अभी। अच्छा, और ये मतलब 1800 में कभी तो था ये कोर्ट? 1825 में उनकी स्थापना हो गई अभी। अच्छा। सोलापुर में हमने अभी कई एक 100 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद हमने एक फंक्शन लिया था अभी। अच्छा। हमारे शिवशंकर घोड़के ये थे, हम प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा फंक्शन लिया था। सोलापुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्थापना होने के बाद 100 साल हो गए। अच्छा। पूरे 100 साल की हिस्ट्री है, इसलिए एक बड़ा फंक्शन लिया था। अच्छा, तो सर उस समय जब आपने 100 साल सेलिब्रेट किए थे तो कोई सोविनियर मैगजीन या ऐसा कुछ आपने निकाला था? यस बिल्कुल, इसमें सब हिस्ट्रियाँ लिखे हैं उसमें। आज तक सोलापुर कोर्ट में कौन कौन से बड़े वकील ने काम किया, इस कोर्ट में तैयार हो गया, अभी हाई कोर्ट कौन से कोर्ट बने, एडवोकेट कितने बने हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट कितने, और उसके बाद हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट ये है, हमारे बार के सदस्य सम्माननीय नामदार सुशील कुमार जी शिंदे साहब। अच्छा। सोलापुर के हमारे बार के सदस्य थे। ओके। वो होम मिनिस्टर बने अभी इंडिया के, सीएम बने, और कई सारे अभी बहुत बड़ा हमारा सम्मान हुआ अभी। अच्छा, तो सुशील कुमार शिंदे सर आपके बार के मेंबर थे? यहाँ मेंबर थे। यस। ओके सर, अभी मैं जानना चाहूँगा कि आपके बार की स्ट्रेंथ क्या है? हमारे बार की तकरीबन स्ट्रेंथ जो है 3062 रजिस्ट्रेशन। अच्छा। हुआ है। लेकिन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इज मेरे ख्याल से 1467 इस साल में है। अच्छा। अभी 1500 तक एडवोकेट जो अभी डेली कोर्ट में प्रैक्टिस आते जाते रहे आते जाते हैं। बार रूम सर कहाँ पे है यहाँ पे? बार रूम एक ही है यहाँ पे, लाइब्रेरी अलग है और बार रूम एक ही है। बार रूम जनरल बार रूम है, उसके बाद लेडीज के लिए सेपरेट है, सेपरेट बार रूम है। यस सर, अभी मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है सोलापुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यस, इसके अंदर कितने तालुके आते हैं? सोलापुर के अंदर तालुके जो है 11 तालुके है, 11 तालुके है। अच्छा। और 9 कोर्ट्स है, 9 तालुका में कोर्ट की स्थापना है। स्थापना है। यस। और सर आज जो हम प्रीमाइसिस में बैठे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, यहाँ पे अंदाजन से कितने कोर्ट रूम्स हैं आपके यहाँ? यहाँ पे कोर्ट्स रूम की संख्या जो है यह सोलापुर सिटी के कोर्ट में तो मेरे ख्याल से 50 तक है। अच्छा। कोर्ट हॉल। हाँ। ओके। और कोर्ट की संख्या जो है 44 है। अच्छा। और डिस्ट्रिक्ट में 81 तक
ये जानकारी है मेरे ख्याल से कि 81 कोर्ट्स चालू है ओवरऑल सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, अभी सर ये जानना चाहूँगा कि बार एसोसिएशन की तरफ से किस तरह के कोई कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होता है, उसके बारे में जानकारी दीजिए हमें। यस सर, हमारे बार की परंपरा बहुत ही उज्ज्वल है। बार के हिसाब से हम सब कई 18 पगड़ जाति के सभी एडवोकेट एक साथ मिलजुल के काम करते हैं और बार में कहीं भी कौन सा मतभेद नहीं होता और जाति अनजाति पर कोई दिक्कत नहीं होती और कोई झगड़ा कभी नहीं होता। अच्छा। एक साथ रहने के लिए हम हमेशा हर साल स्नेह सम्मेलन बोले तो गैदरिंग अच्छा बनाते हैं। गैदरिंग का समय रहता है हमारा जनवरी महीने में, जनवरी 26 जनवरी में पहले दिन 26 जनवरी में 3 दिन तक हमारा गैदरिंग चलता है। अभी तक बहुत सारे सीनियर एडवोकेट ने उसमें हिस्सा ले लिया है। इसमें 3 दिन में क्या क्या रहता है, तो पहले दिन जो 26 जनवरी रहती है, 26 जनवरी में झंडा वंदन सुबह 7 बजे होता है। उसके बाद नाश्ता, स्वागत गीत और कुछ अंताक्षरी स्पर्धा एथलेटिक्स कई क्रीड़ा थोड़ा सा ये रहता है भाई, अंताक्षरी की स्पर्धा रहती है। बाद में एक साथ जुडिशरी और कर्मचारी, न्यायिक प्रतिनिधि और सब एडवोकेट मिलजुल के एक स्नेह भोजन का फंक्शन लेते हैं। अच्छा। उसके बाद दूसरे दिन में कमर्शियल नाटक वगैरह कुछ तो रखते हैं फंक्शन। अच्छा। और तीसरा दिन जो आता है हमारा, तीसरे दिन में कल्चरल एक्टिविटीज, जो बाहर के कई कलाकार भी रहते हैं, क्या एडवोकेट में कोई विविध एक्टिविटीज रहते हैं, वो भी हिस्सा लेके भी सब लेडीज और जेंट्स मिल के बहुत अच्छा फंक्शन मनाते हैं। अच्छा, तो एक 3 दिन का बड़ा अच्छा गैदरिंग आपका होता है। और दूसरा जो है न्यायिक कर्मचारी वर्ग रहता है और एडवोकेट एक साथ मिल के भी क्रिकेट सामने स्पर्धा। अच्छा। क्रिकेट की स्पर्धा भी लेते हैं। इसके इस अभी कल 22 जनवरी को ये फंक्शन रखा है। अच्छा। इसके इनविटेशन कार्ड आपको दिखाता हूँ। ओके ओके ओके। जिला स्तरीय क्रिकेट स्पर्धा। क्रिकेट स्पर्धा, यस सर। ओके सर, अभी ये पूछना चाहूंगा कि हमारे कोर्ट प्रीमाइसिस में स्टेशनरी जेरोक्स इसके लिए कोई काउंटर्स हैं? काउंटर तो नहीं है, काउंटर उसमें हमें बाहर जाना पड़ता है। अच्छा। उसमें एक ही जेरोक्स के मशीन के लिए अलग एक काउंटर दिया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, बाकी तो कुछ नहीं। उसमें स्टेशनरी वगैरह कुछ नहीं मिलती, लेकिन हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी अभी बनाई है, उसके लिए जगह की मांग करी है और उसके रजिस्ट्रेशन भी पूरा हो गया है। बहुत सारे वकीलों ने इसमें हिस्सा ले लिया है। उसके लिए प्रेमाशेष की हम थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मिला है परसों। आउटी साहब है हमारे, शब्बीर आउटी प्रिंसिपल जज है, उसको हमने अभी पत्र दिया, लेटर दिया है। उसमें हमारे लिए अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए हमारे अलग जगह देने के लिए बोल दिया है। अच्छा। लेकिन अभी तक तो उसमें कुछ है नहीं आया, देख रहे हैं। प्रेजेंटेशन दे दिया है। यस सर, यस। और सर, जैसे पहले रिट ये क्या कहते हैं पेटिशन राइटर हुआ करते थे, बराबर उस तरह आज भी है अपने यहाँ? यहाँ अभी बहुत सारे बदलाव आ गए हैं, डिजिटल और कंप्यूटर का युग आया है, इसलिए अभी सभी लोग कंप्यूटर के खिलाफ कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जा रहे हैं। उसके लिए भी जो ना पुराना जो टाइपराइटर रहता है और हैंड राइटिंग में लिखने वाले अभी लोग यहाँ पे तो खत्म हो गए। यस सर। सर, एक पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने पहले भी बोला कि आपके यहाँ से कई हमारे वकील भाई जुडिशरी में गए हैं। यस। तो उस तरह से कोई आप लेक्चर वगैरह रखते हो JMFSC की जब एग्जाम आती है, तो उस तरह का कोई उपक्रम होता है हमारे तरफ से? बहुत सारे उपक्रम यहाँ पे होते हैं, हर साल मनाते हैं। और JMFSC में
हमारे बहुत सारा रिजल्ट भी अच्छा है, हमारे बार के जूनियर्स एडवोकेट बहुत मेहनती है, एक साथ मिल के स्टडी करते हैं, इसका रिजल्ट भी अच्छा आया है। कम से कम मेरे ख्याल से 6-7 एडवोकेट हर एग्जाम में, जो भी कुछ एमपीएससी का एग्जाम होता है उसमें तो सिलेक्ट होने वाले, कि स्ट्रेंथ हमारी 7 या 8 एडवोकेट की रहती है, उसमें लेडी एडवोकेट रहते हैं, जेंट्स एडवोकेट भी रहते हैं, तो अच्छे खासे तादाद में जेएमएससी में एंट्री होती है। यस सर, यस सर। अभी ये पूछना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट बार की जो आपकी कमेटी है, इसका टेन्योर क्या है? हमारा टेन्योर जो रहता है एक साल का ही है। हमारा टेन्योर 30 जून को ख़त्म होता है, 1 जून को शुरू होता है हर साल में। ओके। हाँ, एक साल के रहता है, एक साल में कुछ करने के लिए भी पूरा हमारा समय नहीं मिलता, लेकिन हम तो कोशिश करते हैं हर एक वकील के साथ, सर वकीलों के मदद से भी, जो भी कुछ करना है सीनियर जूनियर मिलके कुछ दिखाना है तो हम दिखा दें अभी थोड़ा सा करके। यस सर। सर, कैंटीन कहाँ कहाँ पे है हमारे प्रीमाइसेस में? इस प्रीमाइसेस में कैंटीन की संख्या है हमारी 4 कैंटीन है, उसमें से एक कैंटीन का थोड़ा सा झगड़ा हुआ है इसलिए तो बंद है। अच्छा। 3 कैंटीन चालू है। कैंटीन की अवस्था इतनी तो अच्छी नहीं है, उसमें थोड़ा बदलाव होने के लिए हम तो कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए अभी कोई गाइडलाइंस दे रहे हैं, उसके लिए सुधारना के लिए भी कुछ हमारा प्रयास चालू है। अच्छा सर, अभी ये पूछना चाहूँगा कि कोई एक अच्छी हस्ती वगैरह आपके कोर्ट में आई थी, जैसे आपने शिंदे सर तो बोले ही आपने, उस तरह से और कोई यहाँ पे आए थे? यस, मेरे ख्याल से घटना के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने भी बारसी और माड़ा कोर्ट में कामकाज किया था। उन्होंने बहुत सारे दीवानी और फौजदारी केस में उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है, और बाबा साहब का यहाँ पे बहुत सारा चाहने वाला भी वर्ग है, बहुत सारे अनुयायी है, इसका हमें पूरा अभिमान है, गर्व है। सर, अभी ये पूछूंगा कि बार और बेंच के रिलेशन कैसे हैं आपके? हाँ, पूरा महाराष्ट्र में नाममात्र एक जिला है सोलापुर जिला डिस्ट्रिक्ट, इसमें बहुत अच्छा रिलेशन बार एंड बेंच के वास्ते रहा है आज तक, कोई भी झगड़ा नहीं आज तक। इतने सारे हमारे एडवोकेट प्रेसिडेंट बने, उसमें किसी का भी अभी तक, हम आज मैं प्रेसिडेंट हूँ, आज तक तो किसी ने मेरे ख्याल से तो झगड़ा हुआ है और रिलेशन बिगड़े है ऐसी तो कोई बात ही नहीं। वेरी पीसफुल रिलेशन। यस सर, बार एंड बेंच के भी। यस यस, बिल्कुल। अब सर मैं एक क्वेश्चन पे आऊँगा कि जो अभी ई फाइलिंग, ये एक सर्कुलर आ चुका है, ई फाइलिंग अभी धीरे धीरे करना है, तो उसके बारे में कैसे चल रहा है आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, या हमारे वकील भाइयों के लिए क्या हो रहा है उसके कुछ बताइए सर। हाँ यस सर, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है तो पूरा थोड़ा सा पिछले वर्ग में थोड़ा सा है, ये इसलिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में इतने तो फैसिलिटीज़ इतने तो पूरी नहीं है, इसलिए उसमें भी दो साइड से भी ही हो रहा है, अभी जूनियर और सीनियर दो अलग अलग पार्ट बने हैं। अच्छा। जूनियर एडवोकेट कहते हैं ये फाइलिंग होना ही है, करेक्ट, उसके साथ जाना ही पड़ेगा, और सीनियर एडवोकेट जो है उसके प्रैक्टिस जो 35 साल 40 साल 50 साल हुई है उसको थोड़ी दिक्कत आ रही है, जो ग्रामीण के जो है विलेज क्षेत्र से आने वाले एडवोकेट है, और तालुका लेवल के एडवोकेट है, और
यहाँ पे भी तालुका लेवल के एडवोकेट काम करने के लिए आते हैं, उसको थोड़ी दिक्कत आ रही है। इसलिए तो पार्ट हुआ है इसमें, कोई एक एक गढ़ बोल रहा है उसके साथ जाना पड़ेगा, ई फाइलिंग के लिए भी कुछ तो करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और फैसिलिटी के लिए थोड़ा आगे आना पड़ेगा। लेकिन एक जो प्रवाह है हमारा, मतलब प्रवाह ही इसका सीनियर एडवोकेट का थोड़ा सा इसके लिए अपोज कर रहे हैं, इसलिए हमने दो बार अभी तक मीटिंग ली है सभी एडवोकेट की, और मैं मंडे को भी 23 जनवरी को और तीसरी मीटिंग ले रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा उसके लिए भी अपना सीजीएम जो इंडिया के सीजीएम है उसका जो है रहता है अभी उसके हिसाब से थोड़ा उन्होंने जो बदलाव किया है उसका थोड़ा बदलाव के लिए हम भी साथ देना पड़ता है, इसलिए हम सब एक साथ उसको समर्थन देने के लिए और ई फाइलिंग के लिए थोड़ा ट्रेनिंग का कोशिश करना और उसके लिए जो भी कुछ यहाँ पे डिफिकल्टी है ट्रेनिंग की है और इसका इलेक्ट्रिशियन का प्रॉब्लम रहता है, इक्विपमेंट लगेगी, इसका सारा जो प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसके लिए सोच हम कर रहे हैं। एक तो बात पक्की है सर के कोई भी ट्रांजिशन होता है एक चीज से नए चीज में तो उस बीच थोड़ा बहुत तो दिक्कतें आती है। यस सर, यस, बट लॉन्ग टर्म में शायद इसका बेनिफिट ज्यादा होगा हमें। नई पीढ़ी आने वाली है, इसमें बदलाव तो होना ही पड़ेगा, हाँ। कुछ तो माइलस्टोन बनने के लिए तो राजीव होना ही है, इसलिए हम भी कोशिश करें। लेकिन जो सीनियर एडवोकेट है उसके लिए थोड़ी तकलीफ है, ये तो देख रहे हैं हम, उसको भी साथ लेने और उसका ही मत प्रवाह बदलने के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन होना ही पड़ेगा अभी, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। सर अभी ये पूछना चाहूँगा कि हमारा जो कोर्ट प्रीमाइसिस है इसमें कोई एटीएम, पोस्ट ऑफिस या नो छोटी सी डिस्पेंसरी इस तरह का कुछ है अपने यहाँ पे अभी? ये जो कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का प्रीमाइसिस है, इसमें पोस्ट ऑफिस, एटीएम ये सुविधा होना ही है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, इसलिए हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को और गार्डियन जजेस को पत्र दिया है। इस हमारे पिछले प्रेसिडेंट थे उन्होंने ही उसके लिए थोड़े ही करे कर दिया है लेटर भेज के भी, लेकिन अभी तक तो उसकी सुविधा के लिए कोई सैंक्शन का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। आपकी कोशिश जारी है? हमारी कोशिश जारी है, उसके लिए बहुत सारे एडवोकेट की मांग है, सीनियर जूनियर एडवोकेट की, कि एटीएम होना पड़े, होना चाहिए, पोस्ट ऑफिस होना चाहिए, इसके लिए भी बहुत सा थोड़ा समय लगेगा, समय लगेगा। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा सर कि ऐसे कोई हॉलीडेज हैं जो सिर्फ सोलापुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को है और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्टों को नहीं रहते, क्योंकि आपके यहाँ तो तीर्थ क्षेत्र पंढरपुर है, तो उस हिसाब से कोई अलग अलग छुट्टियां आपके यहाँ है? यस बिल्कुल बिल्कुल, सोलापुर ही सिद्धेश्वर नगरी है, सिद्धरामेश्वर की हुतात्मा की नगरी मानी जाती है। इसमें गड्ढा यात्रा अभी चालू है जनवरी में, मकर संक्रांत में संक्रमण के समय इसको हमारे स्पेशल छुट्टी जो है 14 जनवरी को रहती है, और एक दूसरी छुट्टी जो है हम मनाते हैं कि यहाँ पे महालक्ष्मी फेस्टिवल जो गणपति के समय आता है, गौरी पूजा, अच्छा, इसके लिए भी स्पेशल छुट्टी, स्पेशल हॉलीडेज की मांग रहती है हमारे ने हमेशा सीनियर एडवोकेट ने थोड़ा सा पुरम पार्क के लिए उसकी छुट्टी का ये करें इंतजाम करा, इसलिए भी वो भी छुट्टी महालक्ष्मी गौरी पूजन की
ये भी छुट्टी स्पेशल छुट्टी माना जाती है। और पंढरपुर में खास कार्तिक एकादशी और आषाढ़ी एकादशी ये दोन के समय छुट्टी रहती है अभी, तो वहाँ पे इतने लोग आएंगे। अभी एक बस कंक्लूडिंग है कि सर ये जो आप छुट्टियाँ आप कहा अभी स्पेशल है, तो क्या ये आपको कंपेंसेटरी करनी पड़ती है कोई सैटरडे को वर्किंग करके, या दीज आर द हॉलीडेज फॉर यू? कंपेंसेटरी करना पड़ते हैं हमें बाद में कोई तो सेकंड फोर्थ सैटरडे में कवर करते। तो गायकवाड़ सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हमारे प्रेमाइसिस में कोल्ड अभी महाराष्ट्र शासन ने 108 करोड़ की मदद कोर्ट प्रेमाइसेस के लिए भी नए कोर्ट की इमारत बनाने के लिए अभी सैंक्शन किया है। अच्छा, उसका लेटर भी अभी आया है। उसकी नई बिल्डिंग के जल्दी ही भूमि पूजन और उसका कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है। अंशतः मान्यता उसके लिए अब भी मिली है। उसमें बहुत सारे कोर्ट एक साथ ही चलेंगे अभी। यहाँ पे जो दिक्कत आती है हमारे लिए, लेबर कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, कोऑपरेटिव कोर्ट, फैमिली कोर्ट, चैरिटी कोर्ट, ये जो अलग 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 प्रेमाइसेस में है, एक ही इमारत में सभी कोर्ट का कामकाज चलने के लिए भी, यहाँ पे फैसिलिटीज करने के लिए भी नई इमारत का इंतजाम हुआ है। उसके लिए सैंक्शन भी गवर्नमेंट ने कर दिया है, 108 करोड़ उसके लिए मंजूर किए हैं। इसका भी जल्दी से जल्दी फंक्शन होने वाला है। और इसमें बहुत सारे कोर्ट्स, 160 कोर्ट्स हॉल बहुत अच्छे हो गए। और लेडीज़ के लिए सेपरेट लेडीज़ रूम, बार के लिए बहुत बड़ा सभागृह है बोल के भी, बार रूम अभी बहुत छोटी है हमारे। एडवोकेट की संख्या बहुत बड़ी हो गई है अभी। बैठने के लिए, बैग रखने के लिए कोई भी हमारे स्पेसेस भी नहीं, जगह ही नहीं। इसलिए हमारे बहुत सारे एडवोकेट पेड़ के नीचे और कहाँ भी जहाँ पे जगह मिलती है वहाँ पे अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके लिए थोड़ी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। उसके लिए अभी नई इमारत होगी तब हमारा सोल्यूशन तो हो जाएगा। उसमें सब कोर्ट एक साथ चले गए। और एडवोकेट के लिए लाइब्रेरी सेपरेट हो जाएगी। और कोर्ट हॉल 27 नए कोर्ट हॉल हो गए उसमें। और उसमें पोस्ट ऑफिस और जो ATM वगैरह फैसिलिटीज़ हो जाएगी। ये जो आपने कहा अभी, ये इमारत कहाँ बनेगी, मतलब प्रेजेंट लोकेशन में या कोई और लोकेशन है? यहाँ पे ही जगह है बहुत सारे हमारे, उसमें से थोड़ा कहीं का हमारा है जो अभिलेख कार्यालय है उसकी इमारत थोड़े से कम करेंगे। और उसमें बची हुई जो जगह है उसमें कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, नया कोर्ट वहाँ बनेगा। नया कोर्ट वहाँ पर, इसका जो ओल्ड बिल्डिंग है वो जैसे थी रहेगी और नया कोर्ट बने। यस सर। सर आपके यहाँ के फेमस पर्सनालिटीज में कौन कौन हैं और क्या क्या पदों पे कोई हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। यस सर, पहले तो हम बता चुके हैं आपको, हमारे एक्स CM ऑफ महाराष्ट्र के लिए और गृह मंत्री ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुशील कुमार शिंदे जी, ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। और उसके बाद हम कई सारे चीफ जस्टिस ही बन चुके हैं हमारे सोलापुर के सुपुत्र, उनमें से भोसले साहब, क्या नाम है, दिलीप जी भोसले साहब और अभी चीफ जस्टिस बन चुके थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय जी ललित साहब, हमारे
अभी अभी तक, और शाह साहब है और बहुत सारे है, और यहाँ पे जागीरदार साहब, बहुत सारे जजेस हो गए अभी बॉम्बे हाई कोर्ट में। और अभी 16 अक्टूबर 2022 में हमारा बहुत सारा बहुत अच्छा प्रोग्राम फंक्शन सोलापुर में हुतात्मा स्मृति मंदिर में हुआ था, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे अभी उदय जी ललित साहब वहाँ पे आए थे, उसके साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी आए थे, और हमारे हमारा फंक्शन जो लिया था हमारे प्रेसिडेंट बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के मिलिंद जी थोबड़े सर, दोबारा वो उनको उनको यहाँ पे विराजमान होने की संधि मिली है। उसने बहुत सारा अच्छा प्रोग्राम भी रखा था, बहुत सारे एडवोकेट आए थे अभी, पूरे महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र के एडवोकेट यहाँ पे आए थे, और हमारे उदय जी ललित साहब हमारे भूमिपुत्र थे, इसके लिए सोलापुर वासियों सोलापुर के नागरिकों ने बहुत सारा अच्छा सम्मान किया उनका, और बहुत अच्छा प्रोग्राम भी हुआ था अभी यहाँ पे। अच्छा, यस सर। तो गायकवाड़ सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया और आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। यस सर। साथ ही में आपको ऑल द बेस्ट के जो आप प्रयत्न कर रहे हैं एटीएम के लिए, पोस्ट ऑफिस के लिए, और नई इमारत जल्दी हो ताकि हमारे जो भाई बहन हैं यहाँ उनके लिए बहुत बढ़िया इमारत बने उनके लिए। यस सर। धन्यवाद धन्यवाद सर। धन्यवाद।